जी हम हमारे जो जम्मू कश्मीर की जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और उनकी सभी टीम यहाँ पे लड़ रही है DDC के चुनाव, तो उनको एक मॉरल सपोर्ट नैतिक आधार देने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और मैं देखना चाहती थी कि किस तरह से लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत बहादुरी से सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, तो उनका समर्थन करने के लिए मैं आई थी। मैं बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है देश में, उसको लगे सरकार और किसान आमने सामने हैं, अब राजनीति भी होना शुरू हो गई है, उसके ऊपर कह रहे हैं। देखिए किसानों का जो अधिकार है खुद का, तो वो उनको नकार रहे हैं, वो बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको मिल नहीं रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हम आए थे तो एक बहुत बड़ी किसान रैली, दो मरतबा में आई, एक बार किसान रैली हुई थी और एक बार मरतबा हमारी ट्रैक्टर रैली हुई थी। हमने भी किसानों की बात करने के लिए जम्मू कश्मीर से भी जितनी भी कोशिश की है वो किया है, क्योंकि जो बात किसान कहना चाह रहे हैं उसमें उनका यही है कि हमारा जो अधिकार है, हमारे जो MSP का अधिकार है, जो स्वामीनाथन कमेटी ने बोला था कि हम दुगने MSP देंगे, और जब मोदी जी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने पहली बार अनाउंस किया था कि 22 में हम दुगने आयु करेंगे, लेकिन ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा किसान दिन ब दिन गरीब होते जा रहा है, किसान को सिक्योरिटी नहीं है, जिसकी प्राइस ही नहीं है उसका क्या आप दान MSP करेंगे, हमें प्राइस ही नहीं मिल रही है इसकी। जो एक चीज़ की प्राइस होती है उसको प्राइस से नीचे अगर बड़े बड़े उद्योगपति आके खरीद लेंगे हमारा, अगर आपके यहाँ का राइस, बासमती राइस बड़े बड़े उद्योगपतियों ने सब खरीद लिया, तो किसान क्या करेंगे फिर। इसीलिए लड़ाई कर रहे हैं पंजाब के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, सभी किसान लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है किसान अभी चुप नहीं बैठेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है।